أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل احمد آباد کے اولیاء تو کیسے ہو آپ سب انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے میرا نام ہے آصف سندی اور آج میں جا رہا ہوں شہید حسو دادا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور یہ درگاہ آئی ہوئی ہے गांधी नगर के पास छाला गांव में। तो अभी हम सब जा रहे हैं वहां पे और ज़ियारत करेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे वहां से मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 8 मुहर्रम को वहां पे संदल होता है रात को और आज 9 मुहर्रम है तो आज वहां पे उर्स है तो हम सब जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं दरगाह पर और ज़ियारत करते हैं। बाय कार हम लोग जा रहे हैं छाला गांव, हमारे घर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। तो अहमदाबाद में हम सरखे जोआपुरा के बीच में जो फतेहवाड़ी है तो वहाँ पे रहते हैं और वहाँ से एक घंटे का सफ़र है। छाला गांव 50 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से, जो सरखेज गांधीनगर एसजी हाईवे वाला रास्ता जो है। तो गांधीनगर होकर छाला गांव हजरत सईद हसू दादा रहमतुल्लाह अली की बारगाह में जा रहे हैं। तो रास्ते की वीडियो मैंने ली हुई है और आप लोगों के साथ वीडियो पे शेयर कर रहा हूँ कि सीन कुछ ऐसे है। तो असर की नमाज़ के बाद हम लोग घर से निकले छाला गांव जाने के लिए शहीद हसू दादा रहमतुल्लाह अली की दरगाह पर, क्योंकि 9 मुहर्रम को वहाँ पे उर्स होता है और मेरी मन्नत जो वो पथरी की पूरी हुई थी तो हम लोग इसके लिए जा रहे थे वहाँ पर। और हम लोग है ना वहाँ पर पहुँचे बिल्कुल रोज़ा खुलने के वक्त पे, मीन्स हमारी गाड़ी जैसे ही पार्क हुई ऐसे ही रोज़ा खुलने का वक्त हो गया। तो हम लोगों ने गाड़ी में ही जो है वो इफ्तार किया और उसके बाद जो है हम लोग छाला गांव की जुमा मस्जिद में, जामा मस्जिद में नमाज़ अदा करने गए। तो फिर हमने जामा मस्जिद में मगरिब की नमाज़ अदा की। तो ये मस्जिद है छाला गांव की, जुमा मस्जिद जामा मस्जिद कहते हैं छाला गांव में आई हुई है। तो मुझे जो समझ में आता है इस तरह से मैं वीडियो ले लेता हूं तो पसंद आवे किसी को कि किस तरह से ये मस्जिद है। तो बस ऐसे ही मगरिब की नमाज के बाद हम लोग पहुंचे दरगाह में सलाम करने के लिए। तो इस तरह से मंजर था, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही भीड़ थी और बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही मज़ा आई। तो देखते हैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, देखते हैं कैसी लगती है। आप लोगों को भी कमेंट करके बताना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर में जो मेहंदी निकलती है वो आएगी और मेहंदी की जो रस्म होती है वो सब यहाँ से लेके गुजरेंगे। तो सारे लोग यहाँ पे दरगाह पास वेट कर रहे हैं। तो ये माहौल है, अभी हम लोग जा रहे हैं दरगाह में सलाम फातिहा पेश करने हैं। तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा किस तरह से मेहंदी निकलती है। और ये जो है ब्रिज, ये नया बनाया हुआ है तो इस पर भी काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी भीड़ है। और जो 3 साल से तो कोरोना के वजह से जो उर्स का जो प्रोग्राम था वो वैसे ही मौकूफ रहता था, तो इस बार माशाल्लाह बहुत ही धामधूम से जो है वो उर्स बनाया जा रहा है जैसे हमेशा रेगुलर वक्त में हुआ करता था। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रोशनी से शहीद हसू दादा का रोज़ा सजाया गया है। पुराना जो रोज़ा था वो कुछ इस तरह लगता था। तो काफ़ी भीड़ है और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और धामधूम से जो है ना शहीद हसू दादा का उर्स यहाँ पे चल रहा है। और काफ़ी सारे लोग जो है ना वो अपने दिल में बहुत सारी मुरादें लेके आए, क्योंकि दुनिया में ना बहुत सारी तकलीफ़ें परेशानी, हर किसी को किसी ना किसी की कोई ना कोई चीज़ की कमी तो रहती है। तो वो जो लोग होते हैं वो ऐसे अल्लाह के वलियों के दरबार में आते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा फील होता है। जो मानते हैं सच्चे दिल से वो आते हैं तो वो ही जान सकते हैं
की तो कोई समझ नहीं सकता इस बातों को। तो लोगों को तो ऐसा ही लगता होगा कि देखो घूमने आया, लेकिन ये सारी पब्लिक जो है ना वो बस अपने दिल में कुछ ना कुछ मुरादें लेके आई है, यहाँ पर खड़ी हुई है और हसू दादा के सदके तूफे अल्लाह से दुआ कर रही कि उनकी सारी जो परेशानियाँ हैं ना वो बस दूर हो जाए। तो हम भी दुआ करेंगे हमारे लिए भी और सब के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे जो भी परेशान हाल आया हो और उसके दिल में जो भी जायज़ तमन्ना हो अल्लाह तबारक व तआला सईद हसू दादा के सदके तूफ़ेल उसको पूरा फरमाए। तो ये एक और गेट है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और अजमेर शरीफ की हमको याद दिलाता है, जैसे वहाँ पे भी सब जगह गेट पे ना कुरान की आयतों की नक्काशी की गई है। तो यहाँ से हम चलते हैं अंदर दरगाह में, सलाम पेश करेंगे और अल्लाह से आप हजरत सईद हसू दादा के सदके तूफ़ेल दुआ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदुआ में मुल्किल्ला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिक वसहाबिक या नूरल्लाह। अल्लाह हजरत सईद हसू दादा के सदके तूफ़ेल हम सब के गुनाहों को माफ़ करें, हम सबको नेक बनाए, हमें किसी का कर्ज़दार मोहताज ना बनाए और हम तमाम चाहरीन की तमाम परेशानियों को अल्लाह तबारक व ताला हजरत सईद हसू दादा के सदके तूफ़ेल दूर फरमाए। अल्लाह ने हमको हजरत सईद हसू दादा के सदके तूफ़ेल ईजान अता किया, मेरी पथरी की सारी तकलीफ़ें को दूर किया। अल्लाह ऐसे ही हजरत सईद हसू दादा के सदके तूफ़ेल यहाँ आने वालों के तमाम मुश्किलें परेशानियों को दूर फरमाए और हम सबको अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहने की नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रोज़ा तामीर करवाया हुआ है और यहाँ पे ना इस दरगाह पे ये छत की बॉर्डर जो है ना उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत कुरान की आयतों की नक्काशी की गई है जो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगती है। देखो आप तो पुराना रोज़ा मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ कैसा था और ये इस तरह से तामीर करवाया है। तो जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया हो तामीर काम में तो अल्लाह तबारक व ताला उनको जजाय खैर अता करे और आप भी जो भी आशिक हसू दादा हो और यहाँ पर आते हो तो आप भी जो हो सके वो दरगाह में इमदाद करके सवाब दारेन हासिल करें। सलाम फातिया और दुआ के बाद फिर मुझे पता चला, मैं बाहर निकला दरगाह से तो मुझे पता चला कि मेहंदी जो है वो बाहर रोड तक आ चुकी है। तो मेहंदी जो होती है ना वो एक साथ जब निकलती है तो वो मंजर जो है ना वो देखने की मज़ा ही कुछ और होती है कि मीन्स इतने सारे लोगों की मेहंदी और मेहंदी की रस्म जो है वो मीन्स ऐसा होता है कि जिसकी भी जो भी मन्नत होती है वो पूरी होती है। तो वो यहाँ पे इस तरह के ये रस्म जो है मेहंदी की जैसे दिए लगे हुए हैं और जो एक मेहंदी है वो निकालते लेके जाते हैं तो आप देख सकते हो कितनी सारी मेहंदी है और कितने सारे लोगों की जो है वो रस्म अल्लाह तबारक व ताला ने सईद हसू दादा रहमतुल्लाह अलैह के सदके तूफ़ेल पूरा फरमाया है। और ये दिन ब दिन बढ़ता रहता है और क्रेज़ जो है वो तो देखिए आप, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत मंजर है।
मंजर है ना, काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप कभी यहाँ पे 9 मुहर्रम को आना और देखना, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मंजर होता है और आप बिलीव करते हो अल्लाह के वलियों पे, तो आना ज़रूर। और आपकी कोई भी ऐसी मन्नत हो तो उसको पूरा करना, अपनी फैमिली के साथ आना और ये मेहंदी की रस्म जो है वो निभाना और है ना मेहंदी वाले पीर की धूम बुलाना, तो बहुत ही मज़ा आएगा। अगर कोई मन्नत हो दिल में तो ज़रूर लेके आना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला शहीद हसू दादा रहमतुल्लाह अलैह के सदके तूफ़ेल पूरा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। नौ मुहर्रम के दिन शहीद हसू दादा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक आता है और 8 मुहर्रम को रात को आपका संदल मुबारक होता है। तो 9 मुहर्रम को मगरिब के बाद जो होता है वो जिन लोगों की मन्नतें पूरी हुई होती है वो लोग इस तरह से अपनी जो है वो मेहंदी जो होते हैं वो लेकर आते एक जगह पे है, वहाँ से मेहंदी जो है वो निकलती है। सबसे आगे जो होती है वो दरगाह वालों की तरफ से जो बड़ी मेहंदी होती है, उनके पीछे पीछे जो है वो छोटी सबकी जो मेहंदी होती है वो साथ में चलती है। बहुत सारी मेहंदी होती है हर साल, काफ़ी सारे लोगों की जो है वो मन्नतें पूरी होती है। इतनी सारी मेहंदी देख के हमको पता चलता है कि अल्लाह तबारक व ताला सईद हसू दादा रहमतुल्लाह अलैह के सदके तुफेल कितने लोगों की मन्नतें जो है वो पूरी करते हैं। तो इस तरह से दरगाह पे सारी मेहंदी आती है और फिर जो है नियाज भी होती है सबके पास, तो वहाँ पे सब खड़े रहते हैं और जो दरगाह के खद्दाम हुजूर होते हैं, जो खिदमत करने वाले होते हैं, दुआ करवाने वाले होते हैं, वो दुआ करवाते और फातिहा खानी होती है, दुआ करवाते, सलात व सलाम होता है और ये जो प्रोग्राम होता है फिर उसके बाद यही ख़त्म होता है। और यहाँ के पुलिस का बंदोबस्त भी बहुत ही अच्छा होता है, तो और सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही सुकून और बहुत ही अच्छे से होती है और उर्स जो होता है वो बहुत धामधूम से और बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है। इतने दिन वेट किया, फिर वीडियो मेरे पास थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ इंशाल्लाह। फिर कभी जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मालूम होगी सईद हसू दादा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की जो भी, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कोई और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।